और दोस्तों देखिए इधर हमारा दूध निकाला हुआ हो गया, इतना दूध निकाले हैं, अब चलेंगे बाजार इसको लेकर के। ये देखिए दोस्तों इतना दूध निकाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 7 बजा हुआ है और इधर देखिए सूर्यदेव का दर्शन। देखिए दोस्तों घर के ऊपर सूर्यदेव निकले हुए हैं और इधर खाना हम लोगों का बन रहा है दोस्तों। और बाबू भी अभी जगा हुआ है। देखिए करेला का सब्जी है, करेला का सब्जी है दोस्तों। और चावल है मतलब भात, यही बन रहा है। और ये बकरी लोग दोस्तों इधर, इनको हरा चारा लेके आए थे कल शाम को, तो अभी डाल दिए हैं, ये लोग खा रहे हैं। और एक तो ये बचवा है और एक इधर है, आ आ आ आ। और ये देखिए दोस्तों अतवरिया को अभी खा ली है, थोड़ा सा छोड़ दिए इसमें, तो इसको भूसा डालेंगे। ये देखिए इधर भूसा रखे हैं, हटो चोका देते हैं। दोस्तों देखिए इधर पानी लेके जाएंगे अतवरिया को, भूसा चोकर लेना है। चोकर इतना सा बचा हुआ है, इसी से खिलाएंगे इसको। सुबह से तो खिला ही रहे हैं। लो खा, थोड़ा सा नंदू को भी दे देते हैं इसमें से। लो खा। देखिए दोस्तों ये भी खाएगा। देखिए दोस्तों इधर अतवरिया को खिला रहे हैं। और सवेरे आज बहुत तेज धूप निकल रहा है। इधर देखिए बाबू और अर्चना दोनों इधर झगड़ा कर रहे हैं आपस में सवेरे सवेरे। ए कौन मारा है जी, हाँ भैया। देखिए दोस्तों रो रही है, ये मार देता है इसको। अबे पिटेबा तू, चलो बदमाशी, जाओ मास्टर आओ तेरे पढ़े जा। और दोस्तों देखिए इधर तालाब घर हम लोगों का अभी, ये सब तो हो ही गया है आने जाने के लिए, लेकिन अभी इस पर देखिए घर वाला, घर के जैसे दिख रहा है, तो इसको अभी आज तैयार करेंगे थोड़ा। देखिए वहाँ जो ये नीचे लगाए हैं इस पर ऐसे ही उधर लगाएंगे और उस साइड लगाएंगे और इस पर चाली रखेंगे, फिर जा कर के काम करने वाला हो जाएगा। तो इसको ऐसे मड़ई के जैसे बनाएंगे घर। तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों कि इसको पूस का घर बनाए, मतलब हम लोगों का खर का जो घर होता है पूसऊ बोलते हैं, पूस का घर, तो वो वाला बनाए कि प्लास्टिक लगा दें, कि क्या चीज़ से बनाए इसको, कि सस्ता में भी हो जाए और अच्छा हो जाए। मतलब पैसा की परेशानी आप लोग तो समझ सकते हैं, जानते ही हैं। 15,000 लिए थे कर्ज वाला पैसा, तो 7,500 का तो हमारा बांस एक डीसी और किराया भाड़ा मजदूर का और ट्रैक्टर वाले का हो गया, उसमें से 8,000 रुपया बचा है, 7,500। तो उसको रखे थे तो थोड़ा बहुत कांटी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है इसमें,
अभी बचा हुआ है तो उतना ही पैसा है दोस्तों, तो इसको सस्ता में मतलब सोच रहा है कुछ ऐसा करें कि कम में हो जाए रहने के लिए तत्काल में, फिर बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी तो इधर देखते हैं, हमारे यहाँ खर मतलब जो पूस होता है वो सब है नदी के किनारे में, राड़ी, तो उसको काट के सुखा देंगे तो उससे भी हो जाएगा। चाहे और भी कोई व्यवस्था आप लोगों को अंदाज में हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसी से घर को बनाएंगे। ए बाबू, हाँ, और बाबू अभी पढ़ेगा यहाँ पे, मास्टर साहब आते हैं तो आके पढ़ाएंगे इसको। और दोस्तों देखिए हमारा खाना अभी बन गया जी, और इधर बकरी लोग, ये मुनमुना रहा है बकरी। है दोस्तों बकरी का बच्चा जो हमारा काला काला 3 ठो था ना, तो एक बच्चा को हम बेच दिए, और क्यों हम बेच दिए दोस्तों ये बताएंगे अभी। देखिए दोस्तों हमारा करेली का भुजिया तैयार हो गया, देख लीजिए कितना मस्त बना है। और इसमें भात बन रहा है, करेली का भुजिया और भात आज बनेगा, यही बन रहा है दोस्तों। और इधर डिब्बा धो करके अर्चना की मम्मी रख दी हैं दूध के लिए, तो अभी दूध निकालेंगे और लेके चलेंगे बाजार। थोड़ा कांटी घटा हुआ है तो कांटी लेके आएंगे घर बनाने के लिए। और दोस्तों देखिए बकरी का बच्चा जो सबसे छोटी वाली थी उसको बेच दिए दोस्तों मात्र 1500 रुपये में। और क्यों बेच दिए दोस्तों, जो हम लोग 45,000 लिए हैं महिला समूह से पैसा, उसको भरते हैं हम लोग दोस्तों 15 दिन पर 1450 रुपये, तो उसी को भरने के लिए दोस्तों पैसा नहीं था, क्योंकि इधर अभी काम लग नहीं रहा है और इनकम चारों तरफ से कम है, तो पैसा नहीं था 1450। तो बकरी को उसी दिन बेचना पड़ा और 1500 में अब बेच के किस्त को भरें दोस्तों, क्या बताएं मजबूरी ऐसा हो गया है, तो किस्त भर दिए। 2 ठो बच्चा है, पकड़ के लाओ ऐसे ना, दोनों को पकड़ के लाओ दिखाते हैं। तो 2 ठो बचे हुए हैं, तो उन लोगों को अभी नहीं बेचेंगे, अभी होली के समय में बेचेंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे थोड़ा बड़ा तो अधिक पैसा मिलेगा, उस समय तक खिलाएंगे उन लोगों को। तो दोस्तों जो महिला समूह से लिए थे 45,000, तो आप लोग जानते हैं कि वो जो छोटी का ऑपरेशन हुआ था उस समय हम लिए थे 50-60 हज़ार कर्जा, तो उसी में लिए। देखिए ये दोनों को लाई है अर्चना पकड़ करके, और एक को जब इन दोनों से वो छोटी थी थोड़ी सी, तो उसको बेच दिए 1500 में। और ये दोनों हैं, और वो वाला खस्सी है सफ़ेद वाला, और ये बकरिया, तो उसको तो होली के समय में ही बेचेंगे क्योंकि उस समय अधिक पैसा मिल जाता है। और दोस्तों देखिए अब चलते हैं अतवरिया का दूध निकालेंगे, तो आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घर में कौन सा चीज़ लगाएं। जैसे ये अल्बेस्टर है तो ये पहले वाला है, और उधर जो ये खर का घर है दोस्तों ये वाला, तो ऐसा बनाएंगे कि अल्बेस्टर तो रखने का पैसा है नहीं, और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं तो ये घर तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ अगर हम इसको ले जाते हैं उधर तो इसमें लफड़ा है, वो लोग बोलेंगे सब एक में का है, इसमें से हिस्सा लगेगा तब ले जाना, तो बार बार यही बात क्यों हम परेशान, जब जानते हैं कि ये लोग इसमें से ये लोग देंगे नहीं, तो इसीलिए। और दोस्तों ये घर अब हम लोगों का छूट जाएगा, और बहुत दिनों से हम लोग इसमें रहते थे, प्यारा सा घर था एक हमारा छोटा सा, तो ये भी अब छूट रहा है दोस्तों, तो समय का फेरा है, क्या करें, जैसे भगवान रखेंगे वैसा तो रहना ही पड़ेगा। अर्चना नया वाला घर बनेगा तो उसमें रहोगी ना? हाँ रहेगी, बहुत जोर से बोलती है। आ छोटी रो रही है, क्या का हो गया, का हो गया, हाँ का हो गया, काहे रो रही हो, हाँ काहे रो रही हो बोलो। ए बन गया जी, बन गया,
दोस्तों बन गया, इसको बस उतारना है, सब कुछ तैयार हो गया है। तो गाय का दूध अब निकाल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद। और देखिए दोस्तों, अतवरिया का दूध निकालने जा रहे हैं। इधर पास में लो, ए इधर लाओ ना जी। और दोस्तों अभी इसको दूध निकालेंगे और लेके चलेंगे बाजार, क्योंकि कांटी वोटी लाना है घर में काम करने के लिए, तालाब घर में। तो उधर काम कांटी से ही करेंगे, रस्सी से नहीं बांधेंगे, क्योंकि रस्सी सड़ जाएगा, तो इसीलिए पहले कांटी लाएंगे। और देखिए दोस्तों, गाय को कोई भी दूध निकाल लेता है, ऐसे ना कि मम्मी, चाहे हम, चाहे अन्य कोई भी आदमी निकाल सकते हैं। इसका स्वभाव बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी गाय है दोस्तों, और दूध भी अच्छा ही देती है। और दोस्तों देखिए, इधर हमारा दूध निकाला हुआ हो गया, इतना दूध निकाले हैं, अब चलेंगे बाजार इसको लेकर के। ये देखिए दोस्तों, इतना दूध निकाले हैं। और देखिए दोस्तों, इधर दूध निकाल लिए हैं, और इसको देखिए कहाँ है मुनमुन, ये अमृत। दोस्तों दूध इसमें नापेंगे हम लोग, और उसके बाद से हम खाना खाएंगे और लेके निकल जाएंगे बाजार। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाय करिए जी, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों।